अस्सलामुअलैकुम बिटवीन फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एचएस ट्रेडर्स पर और इनके पास सुजुकी के बाइक्स भी हैं, चाइनीज़ बाइक्स भी हैं, यामा के बाइक्स भी हैं, मतलब हर कंपनी का आपको बाइक मिलेगा। और ये वाहिद वो मतलब शोरूम है जहाँ पर हम पहले भी आते थे, और ये थोड़ा सा लोकेशन थोड़ी चेंज होगी इनकी। इनके पास अब होंडा की जो डीलरशिप है वो भी इनके पास अवेलेबल है। ये इनका जो है वो सारा कुछ नंबर वगैरह लिखा है यहाँ पर, नोट करके आप अपने तौर पर भी इनसे जो है वो मालूमात ले सकते हैं। एचएस ट्रेडर्स, पुराना मोटरसाइकिल देकर नया ले जाएं, ये अभी भी ऑफ़र चल रही है कि नहीं, अंदर चलते हैं, उज़ैर भैया हमें मिलेंगे। और काफ़ी टाइम बाद एक बंदा जो है ना, जिसका मैंने भी नाम लिया है, वो आज हमारे कैमरे में आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर भाई, क्या हाल है? ठीक है, क्या हाल है जी अरसलान भाई? ठीक है आप? सर काफ़ी टाइम हो गया, सलमान खान मिले नहीं थे हमें। हाँ बस यही हालत है, महंगाई के दौर में सारे बंदे गायब हो गए हैं, बाइकें तो बाइकें गायब हुई हैं, बंदे भी गायब हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बनेंगे गरीबों के सलमान खान। हाँ, आज गरीबों के सलमान खान हो, क्या कहते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टॉक है, क्या चीज़? सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि लोकेशन चेंज हो गई है आप? हाँ बिल्कुल, लोकेशन अंदर आ गए। हाँ जी बिल्कुल, लोकेशन चेंज हो चुकी है। जो हमारा मोटरसाइकिल प्लाजा था वहाँ पर हमने होंडा 3S कर दिया है। सही, सेल सर्विस वर्कशॉप तीनों आपको एक ही शोरूम तक, एक ही छत तले मिलेंगे। उसके बाद आज हम जो है खसूसी अरसलान भाई हमारे पास आए हैं, तो आज हम इस पे बात करेंगे, रेट्स के बारे में बात करेंगे, सुजुकी के बारे में बात करेंगे, यामाहा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक हो गया। और हमें होंडा का शोरूम भी विजिट कराएंगे। जी जी, होंडा का शोरूम भी आपको विजिट कराएंगे, सारा अपग्रेड बताएंगे, वर्कशॉप के बारे में आपको बताएंगे, सारी सहूलियात आपके सामने। जैसा कि मैं अभी आया तो मेरी डिस्कशन हो रही थी इनके साथ के इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं कि पूरी मार्केट में इधर पूरे सर्कुलर रोड पे सब ने इंस्टॉलमेंट वाले प्लान्स खत्म कर दिए, इवन के कंपनीज ने भी खत्म कर दिए हैं। लेकिन उज़ैर भाई से लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि डंडे के जोर पे आज बात करेंगे कि इनसे हम इंस्टॉलमेंट प्लान खत्म नहीं करने देंगे। डंडे के जोर पे आज इस्तीफे चल रहे हैं और मेरे से भी करवाएंगे। नहीं नहीं, हम आपसे लेंगे जरूर, क्योंकि मैच के सार्फिन के लिए ये बात आप वीडियो बयान दिलवाएंगे। बिल्कुल, वीडियो फ्रेंड्स पूरी देखनी है आपने। सबसे पहले यूनाइटेड की बात कर लेते हैं जी। उज़ैर भाई जी, सबसे पहले हम यूनाइटेड की बात करते हैं। तो 2023 मॉडल है, नए स्टिकर हैं, नए ग्राफिक्स हैं, एक साल या 10,000 किलोमीटर्स की वारंटी है। वारंटी पहले बताने का मकसद ये होता है कि कस्टमर की कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए। सही, इस वक्त इसकी जो कैश कीमत आ रही है वो 165,500 है, वैसे जो मार्केट में चल रही है वो 170 तक पहुंच चुका है, लेकिन हमारे पास ये स्टॉक जैसा कि 2 हफ्ते पुराना है, देखें और उसी लिहाज से हम आपको प्राइस बताएंगे, वरना 170 प्राइस इसकी इस टाइम हो चुकी है कैश पे। ठीक हो गया। और ये कैश पे भी आपको 1,65,000 रुपये में, 1,65,000 का आपको मिल जाएगा। बाकी पीके बाइक्स की तरफ से कोई आएगा तो उसको आपको पता है, वीडियो में डिस्काउंट हम देंगे। आज डेट भी 27 आज 27 मई ही है, तो उस लिहाज से आपने ये वीडियो देखते हुए, मतलब आप ये प्राइसेस जो बता रहे हैं उस लिहाज से फ्रेंड्स, अगर कोई बाद में देखेगा या कोई 2-3 हफ्ते बाद देखेगा तो प्राइस अपडेट हो जाएगी, कॉल करके पता कर लेना। वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया भी ये नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है क्राउन 70 CRLF, इसमें जो है दो ग्राफिक्स आते हैं। सही, एक आपके सामने ये ग्राफिक्स है, एक अगर रसलान भाई यहाँ पर कैमरा लेके आए तो मैं दिखाना चाहूँगा, दूसरा ग्राफिक्स आपका ये सामने खड़ा हुआ है, सॉरी ये सामने है, ये दो ग्राफिक्स इसमें आते हैं। दोनों 23 मॉडल हैं, फ्रेश सीरियल है। सही, होंडा 70 वाले इसके ग्राफिक्स हैं। जी जी, जस्ट आप लोगो चेंज करते हैं तो होंडा 70 बन जाता है। सही, उसके बाद इसके आपको एक तो बाकी बाइकों से ये मुनफरिद इसलिए है कि आज इसकी इसकी थोड़ी सी मैं खसूसियात बता दूं कि इसके पार्ट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं मार्केट से, रीसेल इसकी कम है। रीसेल मतलब यूनियन स्टार हाई स्पीड यूनाइटेड के मुकाबले में इसकी रीसेल कम है। सही, तो लेकिन क्वालिटी वाइज ये थोड़ा बेहतर है उनके मुकाबले में, क्योंकि इसके पार्ट्स आप यूनियन स्टार लें, हाई स्पीड लें, यूनाइटेड लें, जिमको लें, पावर जिमको कोई भी, उसमें पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट CRLF के आसानी से मिल जाते हैं। 65% जो पार्ट्स हैं मार्केट में वो CRLF के हैं। इसी तरह हम आगे अगर आप आते हैं साथ ही यूनाइटेड 100 की तरफ, तो ये अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, ये क्राउन 70 को लेके इसमें एक HD मॉडल आता होता था, वो फिलहाल कंपनी ने, आपको पता है जैसे कि प्रोडक्शन कई बाइकों ने बंद की हुई है, तो वो उसमें कुछ चीज़ें इंपोर्टेड डलती थी बाहर से। सही, मतलब एक कॉइल कड़ा उसमें इंपोर्टेड डलता था, एक बैटरी इंपोर्टेड डलती थी ड्राई, तो वो अब बाहर से इंपोर्ट बंद है, तो जिस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन बंद की हुई है उसकी। उसके अलावा एक क्राउन 125 भी आता था अलायरम वाला, एक सेल्फ स्टार्ट भी आता था, एक सेल्फ स्टार्ट अलायरम में आता था, वो भी उन्होंने प्रोडक्शन बंद की हुई है क्योंकि चंद एक पार्ट्स बाहर से आते थे चाइना से। ठीक हो गया। अभी इसकी क्या प्राइस चल रही है 70 की? 70 की इस टाइम कैश प्राइस है 1,05,000 रुपया। कैश पे कोई पीके बाइक्स का रेफरेंस देगा तो उसको हम खसूसी डिस्काउंट देंगे। सही, तो वो विजिट कर सकता है। बाकी 6 मंथ इसकी वारंटी है यूनाइटेड की, 1 साल 10,000 किलोमीटर इसकी, 6 माह या 6,000 किलोमीटर। वारंटी पैटर्न मैं दोबारा आपको बता दूं, 6 माह पूरा चल गया तब भी वारंटी खत्म है, या 6,000 किलोमीटर चल गया तब भी वारंटी खत्म है, दोनों में से कोई भी शर्त पहले पूरी हो जाए।
ठीक, क्लेम सेंटर इसका इतलाक करता है वारंटी बुक पे। आप कभी भी वारंटी बुक हम नहीं पढ़ते, हम डीलर के जाके सर पे चढ़ जाते हैं और उसे कहते हैं भाई ये चीज़ वारंटी में है या नहीं है। आप दो पेज पढ़ लें, जो चीज़ वारंटी में शामिल है फ्री ऑफ कॉस्ट करके रिपेयर करके देने का क्लेम सेंटर आपको पाबंद है। आप किसी भी शहर से वीडियो देख रहे हो, अगर वो शामिल नहीं है उस पेज पर, दोनों में लिखा होता है कि मैनेजर ज़्यादा हालतों में इनका क्लेम नहीं किया जाएगा। ये दोनों पेजेस आपने पढ़ लेने हैं। ठीक हो गया। साथ ही हम आगे दूसरे बाइक की तरफ आते हैं, तो क्राउन 100 इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, 1 लाख यूनाइटेड 100 वन ईयर वारंटी है, या 10,000 किलोमीटर। इसका जो सिलेंसर है वो 1-5 वाला लगा हुआ है, ड्यूल मीटर के साथ ये आता है। सिलेंसर भी दिखा देते हैं। जी, सिलेंसर इसका क्रोम में आता है, वैसे क्रोम के बहुत ज्यादा शौकीन है, हालांकि इसके 1-5 की तरफ आप जाएं तो वो ब्लैक में है बिल्कुल सिलेंसर, लेकिन ज्यादातर जो अक्सरियत हमने देखी है वो क्रोम को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो साउंड उसका अच्छा होता है और दूसरा ये कि उसकी जो लाइफ होती है वो आम सिलेंसर से ज्यादा होती है। सही। इसकी जो कैश कीमत है 1,20,000 रुपये है। उसके बाद इसमें बड़ी लाइट आती है, जरा ये मरी वाले हो गए हमारे, ये चढ़ाई वाले एरिया वाले लोग ज्यादा इसको पसंद करते हैं। देखें लोग ज्यादातर ये क्वेश्चन करते हैं प्लास्टिक इसमें ज्यादा होता है, ये खड़क जाता है। कोई भी चीज़ है उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसने खड़कना ही है, मेंटेनेंस करेंगे साथ साथ 8,000 किलोमीटर पर इसके नट टाइट कराएंगे तो ये कहीं पर भी नहीं जाता। सही। इसमें एक अलॉयरिंग वाला भी आता है, उसकी क्या अभी अलॉयरिंग वाले की इस वक्त कैश प्राइस जो है वो 1,35,000 रुपये है, इसकी 1,20,000 रुपये है। अलॉयरिंग वाला भी फिलहाल शॉर्ट हुआ है मार्केट में, बाकी चैनल की रेफरेंस भी आएगा तो उसको डिस्काउंट भी हम करेंगे। ठीक हो गया, ये वही क्राउन आ गया और हाई स्पीड की तरफ आ जाते हैं। अब हम हाई स्पीड की तरफ आते हैं, तो ये 2023 मॉडल है, फ्रेश सीरियल है। इसकी जो कैश कीमत आ रही है वो 1,06,500 है, चैनल के रेफरेंस से कोई आएगा डिस्काउंट देंगे। क्वालिटी इसकी बाकी बाइकों से बेहतर है, 90 सिलेंडर इसमें आता है जो कि सिर्फ यूनियन स्टार और हाई स्पीड के अंदर आता है। इन दोनों के अंदर 90 सिलेंडर है, बाकियों के अंदर 78 आता है। होंडा 70 के अंदर जो है वो 72 आता है। इससे एक तो ये होता है आपका जो 90 बोर होता है वो पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा पीता है, लेकिन थोड़ी सी पावर की उसमें फर्क आ जाता है, पिक जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। हालांकि इसके अगर आप 100 की तरफ आते हैं तो ये 97 बोर में आता है बिल्कुल, और 1-5 की तरफ आते हैं वो 123-124 के आसपास। अच्छा ये बताएं कि इसमें जो आपने डिस्काउंट की बात की है, 1,06,500 आपने इसकी प्राइस बताई है, सही है, तो डिस्काउंट कितना मिल जाएगा इसमें चैनल के रेफरेंस से आएगा तो उसको जरूर मिलेगा। फिर आके आपने फ्रेंड्स पीके बाइक्स का बताना है और ज़ाहिर भाई से डिस्काउंट लेना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह असलान भाई का बताना जरूर मिलेगा आपको। इसके साथ ही अगर हम आगे आते हैं तो यामाहा के बाइक्स भी आपको, यामाहा की तरफ हम बाद में आ जाते हैं, पहले हम यूनियन स्टार की तरफ चले जाते हैं क्योंकि कहेंगे जी शेप शूप बता दें सारा कुछ। अब आपको मैं यूनियन स्टार की शेप बता दूं, शेप तो इसकी लाइट चेंज है, आपको पता है इशारे इसके चेंज है, मोनोग्राम चेंज है, हरन चेंज है। जो मेन चीज़ आती है जहाँ से आप ट्रेस आउट करते हैं पुराना मॉडल नया मॉडल, वो तो एक इसका हरन होता है और एक इसके अंदर अगर आप असलान भाई कैमरा फेंगे इसके अंदर 2023 लिखा हुआ आता है। सही। ये मेरी उंगली के साथ अगर आप देखेंगे, मैं एक मिनट जरा जूम भी थोड़ा सा जूम कर लें, इनको चेक करवा देता हूँ। ये कोने में लिखा हुआ है 2023। हाँ जी सही। उसके बाद इसकी बैक लाइट चेंज है। अच्छा इसमें अब जो है वो 3 ग्राफिक्स आते हैं, हाई स्पीड में एक ही ग्राफिक्स आता है, कलर 2 आते हैं रेड एंड ब्लैक, इसमें ग्राफिक्स 3 आते हैं, एक इस शेड में आता है, एक हमारे पास ये बिल्कुल फ्रेश स्टॉक, अभी इस पर कपड़ा भी नहीं लगा। यहाँ पर अगर आप करीब आएंगे तो मैं आपको आसानी से बता दूंगा, ये इसमें ऑरेंज शेड में आ गया। सही। ये इसमें कलेजी है, एक और इसमें शेड आता है येलो, वो भी हमारे पास आ जाएगा, इवन के ये खड़ा भी हुआ है, सॉरी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ये येलो शेड में आ जाता है। सही। इसका जो ग्राफिक्स उतरा हुआ है, मोनोग्राम उतरा है। हाँ जी वो उतरा हुआ पीडीआई के दौरान उतरा हुआ है। अब हम आते हैं इसके बाद यामाहा की तरफ, तो YBR जी जैसे कि नया कलर भी लॉन्च हुआ है। प्राइस नहीं बताई आपने, इसकी सेम है, इसकी और हाई स्पीड की सेम है, 1,06,500, 6 माह वारंटी है, ये 6,000 किलोमीटर। ठीक हो गया। डिस्काउंट इसमें मिलेगा, डिस्काउंट इसमें भी मिलेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा, पीके बाइक्स की तरफ से कोई आएगा। साथ इसके बाद हम आते हैं यामाहा की तरफ, जो नया कलर इन्होंने लॉन्च किया है। सही। इस वक्त इसकी जो कैश कीमत आ रही है वो 4,10,000 रुपये आ रही है। इसमें भी कैश पे आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके बाद इसका जो नया कलर आया है पिक्चर में कोई और है, रियलिटी में कोई और है। वैसे मेरा आपको यही मशवरा है कि ऑनलाइन बुकिंग से बेहतर है आप रियल में इसका कलर देखें, उसके बाद आके चॉइस करें, क्योंकि रोज रोज लेने वाली चीज नहीं है। थोड़ा गाइड कर देते हैं कि पिक्चर में मुझे भी ये शाइन ऑरेंज लगा था, बिल्कुल प्योर शाइन ऑरेंज है। अब ये मैट ऑरेंज भी इसको नहीं कहेंगे, मैट ग्रे से थोड़ी सी ऊपर वाली फीलिंग आ रही है इसकी, ये कोई और ही कलर आ रहा है क्लेजी और इसके दरमियान में कोई मिक्सिंग कलर में आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसकी कैश की मतलब कलर आता रहेगा या ये बस कुछ स्पेशल एडिशंस में आएंगे? देखें इस तरह, इससे पहले जैसे यामाहा YBR जी जो था उसने ग्रे कलर, पहले उन्होंने कहा था कि 1,000 यूनिट बना रहे हैं लिमिटेड एडिशन, फिर बाद में उन्होंने रेगुलर कर दिया था जब उन्होंने देखा कि सेल बढ़ गई है, सेल बढ़ गया। अब तो दूसरी बात यह कि प्रोडक्शन में ही नहीं है ये, बैक एंड पे ये जो उनके प्लांट पे तैयार शुदा थे ये वही स्टॉक आ रहा है एंड टू एंड। बाकी अब देखें अल्लाह बेहतर करेगा, मतलब के हालात बेहतर होते हैं तो साथ स्टॉक भी चल पड़ेगा। रेट तो उसका बहुत ज़्यादा 4,10,000 रुपये बाइक के लिहाज से। तो बाकी कोई चैनल के रेफरेंस से आएगा, कैश पे भी हमारी कोशिश होगी उसको डिस्काउंट दें, हालांकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं देता।
ठीक हो गया। और यामा सुजुकी होंडा में आपको भी पता है कोई डिस्काउंट नहीं देता, हम फिर भी अरसलान भाई का नाम कोई लेगा तो हम जरूर उसको डिस्काउंट देंगे। और हमारे कहने पे आपने इंस्टॉलमेंट प्लान भी अभी शो करने हैं अभी आपने। वो भी आपको करते हैं कुछ ना कुछ। मैं इनसे यही कहूँगा कि यामाहा के बाइक या सुजुकी की बाइक्स भी हैं तो उनको भी कोशिश करेंगे कि हमारी बात मान लें, तो सुजुकी पे आ जाते हैं। हाँ जी, सुजुकी की 150 सॉरी पहले जी डी पे आते हैं जो सबसे छोटा वेरियंट है, 3,35,000 इसकी कैश कीमत है। जो कि आज से अगर 3 साल पहले की कोई वीडियो हमारे चैनल पे देखे पीके बाइक्स पे सर्च करें तो 1,31,000 पे ये घूम रही थी। बिल्कुल ऐसे 50% से भी ऊपर इसका इस टाइम हो चुका है 3-4 सालों के अंदर अंदर। उसको भी छोड़ दें आप 70 के बाद, मेरे ख्याल में अगर आप 8 महीने पहले पीछे जाते हैं तो मेरे ख्याल में 60 से 55 के दरमियान। मैंने खुद अपनी हाई स्पीड अभी तक मुझे याद है कि 45,000 रुपये में मैंने ली थी। वही मैं कह रहा हूँ, आज से अगर आप 8-9 महीने पीछे जाते हैं तो तकरीबन 65 से 70 के दरमियान आपको मिल रही थी। तो अब तो मैं ज़रा 2 साल पुरानी बात कर, वो तो बहुत पुरानी, उस टाइम तो 42-45 हो गई थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो कंफर्ट के लिहाज से इसमें कोई ख़राबी नहीं है, क्लेम इसमें कोई नहीं है। उसके बाद 3,35,000 इसकी कैश कीमत है। सही। और ये सुजुकी का यानी कि जिसे आप कहते हैं पहला मॉडल है जहाँ से शुरू होता है सुजुकी आगे। सही। इसके बाद इसके 150 की तरफ आते हैं, GS 150 है, कैश कीमत 3,64,000 रुपया 364 है। उसके अलावा 6 मंथ इसकी वारंटी है, ये 6,000 किलोमीटर किसी किस्म का मसला आता है कंपनी क्लेम करती है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ रावलपिंडी में बहुत लिमिटेड स्टॉक है, ये आपको सिर्फ HS फ्रेंचाइज से या MR फ्रेंचाइज हमारी चांदनी चौक वहाँ से आपको मिलेगा। ये दो फ्रेंचाइजेज हैं जहाँ से मिलेगा। लोकेशन अरसलान भाई ने नीचे डाल दी है, किसी को भी सुजुकी चाहिए हो वो आपको यहाँ से बासानी मिलेगा, बजाय इसके कि किसी और डीलर के पास जाएंगे 10-15,000 रुपये का आपको ऑन देना पड़ेगा। सही। अच्छा, कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग रोकी हुई है, मेन कंपनी जैसा सुजुकी हो गया, यामा हो गया या होंडा हो गया, तो अभी क्या आपको हालात लगते हैं कि ये कब तक ओपन हो जाएंगे? जी, सुजुकी की जो मेल आई है उसमें तो अभी उनका टेम्परेरी बंद है प्लांट जो है, यामा का जो है उनसे हमारी बात हुई RSM से तो वो कह रहे हैं बहुत लिमिटेड उसका प्रोडक्शन चल रही है इस टाइम, 32% प्लांट चल रहा है जो है। और होंडा का जो है इसके पीछे क्या वजह है? मटेरियल नहीं आ रहा, मटेरियल नहीं आ रहा, और बहुत जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो आगे से बहुत महंगा हुआ हुआ है जिसकी वजह से वो उसको कर नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, डॉलर की वजह से कंट्रोल, डॉलर की वजह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, GST है, हालात मुल्क के सामने आपके, इस वजह से वो बहुत इस टाइम देख सुन के और बहुत लिमिटेड स्टॉक निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। इसकी आपने 3,35,000 रुपये, इसकी 3,64,000 रुपये 364। अगर देखा जाए तो GDK और इसके मुकाबले में इतना ज़्यादा नहीं है, 335, 364। साथ ही हम आते हैं इसके 125 की तरफ, पहले चलते आस्ता आस्ता ऊपर जाएंगे ताकि आवाम एकदम झटका लगे। इस 125 के पास जाने की कोशिश इसलिए करूँगा क्योंकि पूरे शोरूम में आपको एक ही नज़र आया, बुरी खबर आपको ये सुना दें कि 125 फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दिए, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, डिसकंटिन्यू हुआ हुआ है। और ये बड़े मजे की बात है, पहले सबसे पहले आपके भाई ने लिया था और एक आपके दूसरे भाई इस्लाम भाई ने वीडियो भी चढ़ाई थी इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा कि ये डिसकंटिन्यू कर दिए कि 4,88,000 रुपया लोगों का बच गया। ओ तेरी खैर, 12,000 कम 5 लाख रुपए। हाँ जी, वो नंबर शंबर डाल के तो ऊपर ही होता है, 5 से ऊपर ही हो जाता है। सही। इसकी जो कैश कीमत है 4,88,000 रुपया आ रही है, रेड लिस्ट में आ रही है, टेम्परेरी बंद है, आगे खोलने का इम्कान है इसके। ब्लू कलर इसमें जो था वो टॉप था, एडवर्टाइजमेंट तो उन्होंने बढ़ चढ़ के की थी। तो जिनकी बुकिंग हुई थी उनको भी नहीं मिले या बुकिंग हुई है उनको भी बहुत लिमिटेड मिल रहा है, मतलब अगर किसी की 6-7 महीने पुरानी बुकिंग है तो उसको अभी वो अगर लीज पे बुक किया तो वो कैश पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उसे कहने पूरी कैश दोगे तो मिलेगा, तो ये सारी चीज़ है। और सुजुकी ने लीज खत्म कर दी है? जी, सुजुकी ने अभी टेम्परेरी बंद की हुई है लीज। और यामा के भी 3-4 महीने वाले पैकेज आए थे वो भी है? वो यामा ने तो बंद कर दिया प्रॉपरली, फिर भी अगर कोई चैनल के रेफरेंस आएगा तो उसको हम जरूर लीज पे कोशिश करेंगे। 3-4 लीज प्लान हम आपको बताएंगे साथ साथ, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, ये बाइक बिल्कुल डिसकंटिन्यू, मतलब अभी रोक दिया है, टेम्परेरी बंद हो गया, टेम्परेरी मतलब अभी इसको नहीं बना रहे। प्राइस 4,88,000 रुपये, नंबर शंबर मिला के आपको 500 ऊपर पड़ जाएगा। बिल्कुल जी। और एक 150cc बाइक 5 लाख रुपये। और दूसरा, हम नंबर का इसलिए बीच में तस्करा नहीं करते क्योंकि हर सिटी का नंबर एक दूसरे से मुनफरिद होता है। बिल्कुल। वैसे तो पंजाब पूरा जम कर दिया है लेकिन इस्लामाबाद का नंबर जो है वो पंजाब के बकौल सस्ता होता है अगर एड्रेस हो आपका। सही। अगर एड्रेस नहीं होता तो वो फिर बराबरी हो जाता दोनों का। ठीक हो गया। अच्छा, सुजुकी का एक और ज्यादा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये सुजुकी का टॉप वेरिएंट आ जाता है 150 में। जी, वैसे तो इसका एक टॉप वेरिएंट आता था जिक्सर 150 जो कि स्पोर्ट्स में आता था, 5,99,000 का वो होता था उस टाइम जब ये 2,95,000 रुपए का होता था। तो वो लोग सुन के कहते थे इतना महंगा 150, अब इसको सुनते हैं इनके लिए नॉर्मल बात है क्योंकि रोज वो आवाम को झटके लगते रहते हैं। सही। मुझे तो वो दिन नहीं भूलता उधर भी कि इसमें इस बाइक में और इस बाइक में उन्होंने सिर्फ 6,000 रुपए का डिफरेंस है। और ये आप यकीन करें, जिस दिन ये लॉन्च हुआ था 2,19,000 रुपए का था, मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैंने कहा था तब भी ये बहुत महंगा है।
2019 का भी बहुत महंगा था 2019 में। तो अभी इसकी क्या प्राइस चल रही है? इसकी जो कैश प्राइस चल रही है 5,21,000 रुपये आपकी चल रही है। उस वांटर से महंगा कर दिया जी, वो जारी बात, उन्होंने फर्क डालना था ना, आपने कहा था फर्क नहीं है तो उन्होंने कहा जी फर्क डाल देते हैं ये। नहीं, उन्होंने डालने की जगह ना फर्क डाल दिया, उन्होंने कहा लो जी फर्क और। मैं रिकमेंड ये कर रहा था कि 150 ले लो। हाँ, उस 125 से मुकाबले में ये ज्यादा कम्फर्ट है, सीट कम्फर्टेबल है, मीटर ड्यूल है, फ्यूल की सिस्टम है तो सेम है, लेकिन इसकी रीसेल उससे ज्यादा है। आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, रीसेल भी मिल जाती है। और मेरे ख्याल से वाइब्रेशन के लिहाज से भी ये ज्यादा, हाँ वाइब्रेशन के लिहाज से भी ये जो है वो ज्यादा कंफर्ट है उसके लिहाज से। सही, अभी चलते हैं नेक्स्ट चाइनीज में। आपने तो सारी हमने देख ली जी, सारे बाइक्स हमारे पास हैं, यूनाइटेड क्राउन। अभी थोड़ा सा होंडा की बात कर ले जी, होंडा की भी हम बात करते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के बारे में समझा दें कि वैसे तो कंपनीज ने बंद की हुई है जी, तो HS ट्रेडर्स वाले अपने तौर पे पीके बाइक्स के कहने पे कुछ शुरू कर सकते हैं जी जी। अब अरसलान भाई ने कहा है तो इंशाल्लाह शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत लिमिटेड हम इसमें करेंगे, जो कस्टमर हमें मतलब रिक्वायरमेंट बिल्कुल प्रॉपर, मतलब हर मंथ का कोई कोटा होगा आपको, कोटा है मतलब अगर 20-25 बाइक जो है वो हम हर मंथ करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि चैनल के रेफरेंस से कोई आएगा इंशाल्लाह हम उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सही, मैं बता दूं पहले ही कि वैसे तो हमारा जो इस टाइम एडवांस चल रहा है वो आपको पता है 75% चल रहा है, 60% हम लेते हैं, वो भी अगर कोई अब सेकंड हैंड लेने आता तो उसको समझ नहीं आती, वो आ जाता तो हम इक्का दुक्का बाइक दे रहे हैं। चाइनीज बाइक्स में भी आप 75-50% लोग हैं, यानी कि पीके बाइक्स वाले जो अवाम एक मिडिल क्लास मेरी तरह जो आते हैं। अच्छा आप बता दें आप कितना कहते हैं। चलो मैं कहता हूँ कि यार 50 से नीचे होना चाहिए, मतलब इस तरह अगर कोई चाइनीज बाइक्स लेने आता है, मतलब जैसे कोई यूनाइटेड ले रहा है या फिर कोई क्राउन ले रहा है, हम कम से कम आप पूरी मार्केट घूम लें, पूरा पिंडी घूम लें, इस्लामाबाद घूम लें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकानें घूम लें। सही, जो पैकेज हम आपको देंगे वो कहीं से भी नहीं मिलेगा, 37,500 एडवांस दें। ठीक, फाइल फीस बीच में ही है, बाकी आपके मुताबिक किस्त बना लेंगे, किस्त भी हम आपके मुताबिक बनाएंगे। मतलब 70 में कोई यूनाइटेड, यूनिस्टार, हाई स्पीड, क्राउन, ट्रीट कोई भी लेना चाहता है तो उसको हम इंशाल्लाह देंगे। 125 भी देंगे, 500 पहले आपको पे करना है। और इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा बता दें कितनी बनेगी और कितना टाइम लिहाज से 18 माह तक हम देते हैं ज्यादा से ज्यादा, 5,400 है। अगर वो पेट्रोल को भी जरूरत दें ना इस टाइम 26 दिन के साथ चार छुट्टियां निकाल के, तो वो भी आपका 8,900 या 8,700 बनता है, किस्त ज्यादा डबल किस्त वो बन रही है, हम फिर भी 5,400 रुपये किस्त ले रहे हैं 18 माह की। पहले क्लियर करेंगे, डिस्काउंट होगा और अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा, ओपन पैकेज है। अब थोड़ा सा बता देंगे रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब दो गारंटर चाहिए पिंडी इस्लामाबाद के, एक चेक चाहिए और घर का बिल और पिके बाइक्स का रेफरेंस। ठीक, और मैं अगर कराची से और रेफरेंस मैं यहां के दो रेफरेंस अगर यहां से दे देते हैं पिंडी इस्लामाबाद के हमें जिनके अपने जाति घर हो तो हम इंशाल्लाह उनको साथ दे के भेजेंगे। कितना टाइम लग जाता है उधर भी? एक दिन का प्रोसेस है ये, एक दिन का भी नहीं बल्कि एक घंटे का प्रोसेस, अगर रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हैं तो एक घंटे के अंदर बाइक वो ले, हाँ एक घंटे के अंदर इंशाल्लाह वो अपनी मर्जी का बाइक यहाँ से लेके जा सकता है। यामा के लिए उसको बुकिंग करानी पड़ेगी, अगर खड़ा है हमारे पास ऑन द स्पॉट तो हम आपको जरूर यामा का बाइक देंगे, अगर नहीं खड़ा तो हम आपको कम से कम जो टाइम देंगे 15 दिन से 16 दिन के दरमियान। ठीक हो गया, तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं इनके होंडा के शोरूम पे और वहाँ पर जाकर आपको प्राइसेस वगैरह गाइड करते हैं, बताते हैं, मॉडल बताते हैं और शोरूम विजिट कराते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि होंडा के सारिफिन के लिए और या जो चाइनीज़ हैं उनके लिए तो अलग हमारी वर्कशॉप है ही है, होंडा के लिए हमने एक स्पेशल वर्कशॉप भी बनाई है, आपको सारी वो विजिट कराते हैं। ठीक हो गया।